जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक और टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीडीएस एग्जामिनेशन में भी और सीएपीएफ एग्जामिनेशन में भी। क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से सेशन के आखिर में हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलॉयज कौन कौन से बनते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ ट्रिक्स को भी याद करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेगुलर पूछे जाते हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें समझेंगे, फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको ट्रिक्स के थ्रू याद भी करेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट क्वांटिटी बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूँ टीम निष्ठा चैनल पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स को अगर हम डिफाइन करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द जो है आपके पीरियोडिक टेबल में आते हैं। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल शो करूंगा। प्योर मेटल्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, डक्टिलिटी है जी, वायर्स में आप बना सकते हो, मेलेबिलिटी है, शीट्स में बना सकते हो, ठीक है, मेटेलिक लस्टर, शाइनिंग सरफेस आपको देखने को मिलता है, एबिलिटी टू ड्रॉन इन टू थिन वायर्स, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लंबी वायर तक जो है आप कह लीजिए बना सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर डक्टिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है वो आपका जो है मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हो गए आपके मेटल्स, और इस तरफ आपका क्या आ गया, नॉन मेटल्स आ गया। ये इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। बीच में आप यहाँ पर जो येलो वाला पार्ट है इसको आप देख सकते हैं, दिस इज मेटलॉइड्स। ये हमने पहले भी एक सेशन में पढ़ा था मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, आयरन, टाइटेनियम, मर्करी, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, किसकी क्या रिएक्टिविटी है। पहले भी मैंने एक सेशन में रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा की है और उसका हमने ट्रिक भी याद किया है। ओके, सो नॉन मेटल्स क्या है, केमिकल एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रास्टिंग द मेटल्स। ये नॉन डक्टाइल है, नॉन मेलिएबल है, शाइनी सरफेस इसमें नहीं मिलता है, ठीक है जी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मिलता, ऑफन ब्रिटल, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और टिपिकली डल और नॉन मेटेलिक अपीयरेंस जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। मोस्ट जो मेटल्स हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पर जो है सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट मर्करी, ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी। आयोडीन क्लासिफाइड एज अ नॉन मेटल, वो जो है उसमें लस्टर होता है, शाइनिंग होती है। कार्बन के मल्टीपल एलोट्रॉप्स हैं, ये अलग से एक पूरा सेशन है हमारा जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि डायमंड है इंक्लूडिंग एक्सट्रीम हार्डनेस, और आपका बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। जनरली मेटल्स में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, बट यहाँ पर एक नॉन मेटल है जिसका एक एलोट्रॉप है डायमंड, जिसमें बहुत ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ग्रेफाइट ऑन द अनदर कार्बन एलोट्रॉप जो कि इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज भी है, ये एक्सेप्शन है। एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक्सेप्शनली सॉफ्ट है और इसको सीधा चाकू से काटा जा सकता है, मतलब इतने सॉफ्ट हैं कि आप सिंपल नाइफ से इसको काट सकते हैं। इसकी डेंसिटीज आपको कम मिलती हैं और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी आपको जो है कम मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। इस पे आपका क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, ठीक है, ये जो हमने एक्सेप्शंस देखी उस पे भी क्वेश्चन बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डक्टिलिटी, वायर्स में बनाना, मेलेबिलिटी, लस्टर, शाइनिंग सरफेस, सॉलिडिटी, ठीक है, सॉलिड में रहते हैं, एक्सेप्ट मर्करी, ठीक है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं दोनों को। यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करें तो जो है आपका मर्करी जो है यूज किया जाता है थर्मोमीटर में। डेंसिटी की बात करें, वेरी फ्रॉम लेस देन वाटर टू वेरी डेंस, जैसे लेड है बहुत ज़्यादा डेंस है, वेरेज जो सोडियम है वो काफ़ी कम डेंस है, फ्लोट करता है पानी में, ठीक है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट भी करता है, वो भी हम देखेंगे आज के सेशन में। सो एल्युमिनियम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, एल्युमिनियम लाइट है तो एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, या कह लीजिए जितने भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपको हल्का पन चाहिए, ठीक है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेटल है वो लाइट वेट मेटल होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी ईजिली अपलिफ्टेड बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ऑल मेटल्स कंडक्ट हीट
वेल ठीक है जी, यहाँ पर एल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील जो है कुकिंग पैन्स में यूज़ होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, कैन बी बेंट इनटू डिफरेंट शेप्स, कार बॉडीज को इसीलिए स्टील शीट्स अलग अलग मेटल से बनाया जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें, सब मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आयरन जो है, जो भी कह लीजिए बड़े बड़े पुल हैं, ठीक है, हमारी बिल्डिंग्स में आयरन यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑल गुड कंडक्टर्स, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड। कॉपर एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने में यूज़ होती हैं, ठीक है, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर भी है बट सिल्वर बहुत महंगा है, तो कॉपर को हम यूज़ करते हैं, कॉपर वायर्स बनती हैं, ठीक है। घरों में जो भी हमारा वायरिंग सिस्टम है वो आपका कॉपर का बना रहता है, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर अगेन देखें, सो ब्राइटनेस होती है, मेलेबल है एक्सेप्ट जिंक, ठीक है। तो जिंक जो है आपको शीट्स में नहीं मिलता, मतलब मेलेबिलिटी उसकी नहीं है। डक्टिलिटी की बात करें तो इसमें एक्सेप्शन क्या हो गया, जिंक और मरकरी हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, ठीक है, एक्सेप्ट जिंक और मरकरी। तो ये जिंक और मरकरी कह लीजिए ब्रॉडली क्या है, आपकी एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। सिमिलरली नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें तो नॉन लस्टरस बट एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, शाइनिंग सरफेस होता है, आयोडीन में शाइनिंग सरफेस देखने को मिलता है। नॉन मेलेबल है एक्सेप्ट कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर की शीट्स हम बनाते हैं, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स भी बनाते हैं, CNT जिसको बोलते हैं। नॉन डक्टाइल, एक्सेप्शन क्या है, अगेन कार्बन फाइबर। और लो स्ट्रेंथ, एक्सेप्शन कार्बन फाइबर, ठीक है। अब यहाँ पर अब स्ट्रेंथ की बात करूँ तो डायमंड को आप देख सकते हैं, बहुत हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं और इनकी जो है प्रॉपर्टीज हैं। बार बार मैं वो पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है। अब हम इनके प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, अब हम थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं जिसपे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब पहला है आपका हाईली इलेक्ट्रिक पॉजिटिव। अब मेटल को जब आप पानी के साथ रिएक्ट करते हो, छोटा सा एग्जांपल, सोडियम को पानी में डालिए, बहुत खैर उसमें तो रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक रहता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और उसके बाद क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है। सिमिलरली मेटल विद इन द एयर, ठीक है, इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, जैसे आपका रस्टिंग होता है, ठीक है, जैसे आयरन है एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, वहां पर क्या होना शुरू हो जाता है, रस्टिंग होना शुरू हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। सिमिलरली मेटल और एसिड क्या बनाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसिड बेस और सॉल्ट में, मेटल और एसिड, सॉल्ट जो है मेटल और एसिड मिलकर सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। इसकी एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, ओवरव्यू ले रहे हैं। रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जिंक को जो है आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हो या आयरन को कॉपर सल्फेट में डाल रहे हो, तो हमने देखा था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, आयरन डाला तो वो कलरलेस सॉल्यूशन हो गया क्योंकि आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर रह गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो है ये नॉन रिएक्टिव है, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद मेटल्स, ठीक है जी, ओके। सो केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन अकर्स, अ न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, बर्निंग वुड, फायरवर्क्स, रॉटिंग बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अब हम थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन की बात करी, अब हमने मैंने आपको सोडियम का एग्जाम्पल दिया था, सोडियम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना रहा है, एक बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, Na2O बना रहा है। देखो Na के पास पॉजिटिव वन, O के पास टू नेगेटिव, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो Na2O हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। पोटेशियम सोडियम वेरी रिएक्टिव हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, सम आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो कि एसिड और बेस ऑक्साइड दोनों की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक सेशन में, पानी, ठीक है, पानी जो है कई जगह आपका बेस की तरह भी काम करता है और जो है डिपेंड करता है वो एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है या एच पॉजिटिव दे रहा है। रिएक्ट विद एसिड्स एल्कलीज टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स, ये ऑलरेडी हम पिछले सेशन में भी डिस्कस किया हमने, एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक, सो एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया, Al2C3 जो है आपका Cl3 ये बना आपका, देन आपका पानी बना। एल्युमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड, सो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये आपका बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड है और यहाँ पर एज अ बेस है, ठीक है, एज एसिड है, यहाँ पर एज अ बेस है, तो डिपेंड करता है कि प्रोटोन रिलीज हो रहा है या प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो रहा है, एच पॉजिटिव रिलीज हो रहा है तो एसिड कहलाएगा, ठीक है।
ओके, तो ये ऑलरेडी हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपका बनता है। अब मेटल प्लस ऑक्सीजन इज लीडिंग टू मेटल ऑक्साइड, जैसे कॉपर है ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। सो मेटल, इसमें हम और एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम का एग्जांपल देख लेते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनता है, वही आपका रस्टिंग, जो हम कहते हैं रस्टिंग हो गया है, वो यहाँ पर इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है। रिएक्शन इंटेंसिटी वेरी करता है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होंगे वो जल्दी रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली, ठीक है, लिथियम कैन कंबस्ट विग्रसली। लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं आयरन कॉपर, वो जो है उनको हायर टेम्परेचर चाहिए फॉर द कंबशन टू अकर, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल MgO, ठीक है, MgO रिएक्टिव है, तो उसका भी हमने देखा कैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब पानी के साथ रिएक्ट होने पे कैसा है, देखो पानी के साथ जो रिएक्शन है ना वो डिपेंड करता है अगेन रिएक्टिविटी पर, ठीक है। जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, वो जो है पानी के साथ उसका रिएक्शन कुछ अलग तरीके से है। सो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर मेटल और पानी मिलकर क्या बना रहा है, पहले मेटल ऑक्साइड बना रहा है, फिर वो हाइड्रोजन गैस, फिर वो मेटल ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, या हम सीधा सीधा कई बार हम इस रिएक्शन को सीधा मेटल हाइड्रोक्साइड के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि सोडियम है प्लस H2O, तो हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, NaOH बन गया, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, CaOH ट्वाइस बन गया, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर ऑल्सो। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एक्सोथर्मिक के आपको जो है बिल्कुल इमीजिएटली हाइड्रोजन देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम जो है हाइड्रोजन जब रखा गया, इस तरीके का आपको लाइक हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। जैसे ही सोडियम इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, विच इज विच लाइक बर्न, ठीक है। तो इस तरीके से वो फाइनली बर्न भी होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। सो मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, सोडियम पोटाशियम, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हॉट वाटर, तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। हॉट वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम, स्टीम, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या हो गया, जो कम रिएक्टिव हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। डू नॉट रिएक्ट, ये कौन से हो गए, जो लीस्ट रिएक्टिविटी आती है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिविटी में लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसीलिए इन मेटल्स की इतनी वैल्यू भी होती है, ठीक है। गोल्ड की वैल्यू इसीलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि रिएक्ट नहीं करता है। सो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी कहानी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट आता है मेटल्स जो है कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ, ठीक है। तो सॉल्ट बनाते हैं, ये अगेन एसिड बेस और सॉल्ट वाले कह लीजिए सेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जिंक है H2SO4, ठीक है, एसिड, और ये क्या हो गया आपका, जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है आपका रिलीज हो रहा है। सॉल्ट बन रहा है मतलब प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है, इतना भी आपको ध्यान में रहेगा, दैट वुड बी फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। फॉर द अबव मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज दिस, ठीक है, सबसे पहले मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, और फिर जिंक है, फिर आपका आयरन आ रहा है, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जो है रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव और HNO3 नेगेटिव, तो वो ये कह रहा है कि ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है, दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, खुद जो है वो ऑक्सीडाइजिंग, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ओके, हाइड्रोजन गैस में एक पॉप साउंड देखने को मिलता है क्योंकि बर्न होता है एकदम। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर लेस रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम ने रिप्लेस कर दिया, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से रिप्लेस कर दिया, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। इसमें हमने सॉल्यूशन भी देखा था कि किस तरीके से ब्लू कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, आयरन सल्फेट, ठीक है, अगर आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है। कुछ चीज़ें जो हैं ओवरलैपिंग है, मैं दोबारा से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपका रिवीजन हो रहा है, जो भी सेशंस को रेगुलरली देख रहे हैं तो उनका एक काइंड ऑफ रिवीजन हो रहा है। रेफर टू हाउ रेडली मेटल्स अंडरगो केमिकल रिएक्शंस, ओके, रेफर्स रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या बताता है कि कितनी जल्दी जो है मेटल रिएक्ट करता है, ठीक है, विद द नॉन मेटल्स और वाइडली यूज इन द पोजिशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस दिस इज, ठीक है, सो ये रिएक्टिविटी का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, सबसे कम है आपका गोल्ड सिल्वर मर्करी, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा अभी। ये शुरू वाले वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये एसिड्स के साथ और ऑक्सीजन के साथ सारे के सारे लगभग रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टिल सिल्वर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी ट्रिक है ये वाली, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसको, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, ठीक है जी। तो बी से पोटाशियम, एस से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अगर आप पेपर में इसको एक बार लिख लेंगे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, एक बार बहुत सिंपल सा एक फ्रेज है उसको याद रखना है तो सारे के सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चार इक्वेशन दे दी, पूछा कि इनमें से कौन सी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, कौन सी इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी कि एक लेस रिएक्टिव जो है मोर रिएक्टिव के सॉल्ट को रिप्लेस कर दे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कॉपर जो है अगर हम कहें Cu और ऊपर लिखा हुआ है आपका मान लीजिए आयरन सल्फेट, कि कॉपर जो आयरन सल्फेट को रिप्लेस कर रहा है या जिंक सल्फेट को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, उसकी एफिनिटी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं है। सो कॉलिंग मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ज़ेब्रा से जिंक हो गया, ठीक है, आई सो आयरन लाइक लेड, हर हाइड्रोजन, कॉलिंग कॉपर, मी सो दैट इज मर्करी, स्मार्ट गाय सिल्वर और गोल्ड। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन हम देखें, ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम आयन बनाता है, ठीक है। अब जहां पर भी आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं देन द कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड्स, इसीलिए हम NaCl डालते हैं, नमक डालते हैं पानी में ताकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉयल नहीं होगा जल्दी जल्दी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो पानी जो हीट है वो पानी में ही रिटेन है, खाना जल्दी पक जाएगा, ठीक है, प्रेशर कुकर में एग्जैक्टली ये भी होता है। और जो एक्स्ट्रा हम नमक डालते हैं उसके, उसका रीज़न ये है, क्लोरीन बिकम्स अ क्लोराइड आयन टू गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका कहानी है 28, 281, 282, तो ये एक्स्ट्रा क्या वैलेंसी बताता है, इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट कर सकता है, और यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाता है, 287 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका आउटर शेल फिल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबिलिटी की तरफ पहुँच जाएगा। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज की दोबारा बात कर लेते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, नॉन डक्टाइल है, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉन मेलेबल, कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, नॉन सोनरस, ठीक है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, रिंगिंग बेल वाला कंसेप्ट नहीं है इसलिए मेटल यूज होता है वहाँ पर, डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और लोअर डेंसिटी आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया कि जो राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल में है वो जो है आपके नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, दे नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते हैं विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड्स, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड स्टीम, ठीक है,
दे फॉर्म नेगेटिव आयंस, क्लोरीन, सल्फर, ये कुछ उसके एग्जांपल्स हो गए। आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कंपोज्ड ऑफ आयंस पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, अगेन मैंने आपको NaCl का एग्जांपल दिया, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर है, गुड इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देंगे, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, सो दे कैन मूव नाउ, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आपका पास होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सिमिलरली लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहां पर बढ़ जाता है। सॉलिड है हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ब्रिटल है, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी की हमने बात की। एवरीडे लाइफ में यूज होता है, NaCl है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि किस तरीके से क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या जो बेस है आपके, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे लाइक पास इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन द वाटर कंटेन आयंस, causes ions to move to opposite electrodes, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो पानी में जाते हैं electrons free होते हैं, और वहाँ पर देखो इसका simple सा concept क्या है कि जो आपका जैसे NaCl है और plus पानी है, तो वहाँ पर आपका electrons free हुए and they started moving towards like तो electrons are free to move, ठीक है, जहाँ electrons का movement हो रहा है वहाँ पर electricity, there will be a conduction of electricity. सो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। अक्रेंस ऑफ मेटल्स की बात करें तो अर्थ क्रस्ट जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ मेटल्स है, सी वाटर मिनरल में आपको बहुत सारे सॉल्ट्स मिलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट जो है नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस है, इसकी एक ट्रिक भी है, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की हम बात करें तो मेटल अक्रेंस और एक्टिविटी, कुछ मेटल्स जो हैं आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, फ्री मिलते हैं, और कुछ कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड्स, अब इसको हम रिएक्टिविटी के बेसिस पे देखते हैं, लो, मीडियम और हाई रिएक्टिविटी, और डिफरेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है जी। अब जैसे ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शुरू वाले जो हाईली रिएक्टिव हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू किया जाता है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन एंड फाउंड इन द नेटिव स्टेट, ठीक है, जो बहुत कम रिएक्टिव हैं क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते तो नेटिव स्टेट में मिलेंगे। सो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, तो यहाँ से आपको प्योर मेटल मिलता है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यहाँ पर या तो कार्बोनेट ओर होंगे या सल्फाइड ओर होंगे। कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन होता है, यहाँ पर रोस्टिंग होता है। क्या फर्क है कैल्सिनेशन रोस्टिंग में, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इससे हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है, उस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड मिलता है, उसको फर्दर जो है हम पर्टिकुलर रिफाइन करके मेटल को लेते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, या तो वो सल्फाइड ओर्स में मिलेंगे, उनकी रोस्टिंग होगी, मेटल मिलेगा, और या फिर वो नेटिव स्टेट में ही मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब सबसे पहले क्या होता है, ओर प्रोसेसिंग होती है, एनरिचमेंट होती है, कि जो वेस्ट मटीरियल है, ठीक है, जिसको गैंग भी कहा जाता है, इम्प्योरिटीज लाइक सैंड एंड सॉइल, उसको रिमूव किया जाता है। ये रिमूवल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी टेक्निक जो है गैंग और ओर को अलग करने की अलग अलग है। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक रोल है, रोलर है, और जो भी पार्टिकल्स है, मान लो आयरन है, ठीक है, और उसके साथ के जो भी ऑक्साइड्स हैं, जो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो अलग हो जाएंगे, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला अलग चला जाएगा, ठीक है, या फिर आप सिंपली उसकी हाइड्रोलिक वॉशिंग कर रहे हैं, क्रश डोर को डाल रहे हैं पानी के साथ, जो है कह लीजिए गैंग वो आगे चला जाएगा, और जो ओर है, कंसेंट्रेटेड ओर है, वो पीछे बचेगा, ठीक है, या फिर सीधा सीधा आप उसको जैसे कहते हैं ना चर्न करना, ठीक है, चर्न करना, वर्लपूल या वॉशिंग मशीन में आप जो कंसेप्ट देखते हैं, सो इसमें क्या हो गया, जो कम डेंस है, लोअर डेंसिटी का है, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो हाई डेंसिटी कह लीजिए मेटल ऑक्साइड है, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ठीक है, तो इसको आप निकाल लेंगे फ्रॉथ को, और नीचे जो आपका कंसेंट्रेटेड ओर बचेगा, ठीक है जी। अब ये कुछ ओर्स की एग्जांपल दे रहा है कि जो आप कन्वीनियंटली प्रॉफिटेबली जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, बॉक्साइट, कॉपर, क्यूपराइट, आयरन, हेमेटाइट, टिन,
कैसेटेराइट। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन आपका पूछता है सीधा सीधा, वंस इन अ वाइल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कैसेटेराइट पूछ लिया कि किसका जो है ये ओर है, ठीक है, किसका ओर है, चार ऑप्शन दे दी, टिन, जिंक, कॉपर, लेड, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे दी, ठीक है। नेक्स्ट आपका लाइमस्टोन इज वेरी फेमस, कैल्शियम कार्बोनेट, मैक्सिमम बच्चों को पता है ये। कैलामाइन की बात करूं तो जिंक, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कैलामाइन, कैलामाइन लोशन भी आता है, ठीक है, स्किन पे लगाया जाता है। देन साइड्राइट बहुत फेमस, और फिर आपका जिंक ब्लेंड नाम से क्लियर है, कॉपर, ग्लैंस, कैलिना, तो ये कुछ आपके इसके ओर्स के नाम हैं। इसकी हमने कुछ ट्रिक्स भी बनाई हैं, ठीक है, जैसे आयरन ओर, हेमा मासी के पास गई है लीना, ठीक है, हेमा मासी के पास गई है लीना, तो हेमा से हो गया हेमेटाइट, ठीक है, और रेड ऑक्साइड, सो फिर आ गया मासी तो मैग्नेटाइट, फिर सी से साइड्राइट, ठीक है, पास आयरन पायराइट, जियो से जियोथाइट, और लीना से हो गया आपका लिमोनाइट, ठीक है, तो ये हो गया आयरन ओर्स के ट्रिक हो गया, ठीक है। देन ओर्स ऑफ कॉपर, मैलेशाइट, अजराइट, क्योपराइट, तो इसका सीधा सीधा है आपका मैक, देखो यहाँ पर बन रहा है मैक, मैकबुक है ना, मैकबुक का शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है ना, मेरे पास मैक है, सो मैकबुक, तो मैलेशाइट, अजराइट, क्योपराइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, अब इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सो लो रिएक्टिविटी मेटल्स, सो मेटल्स इन द लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर हाईली अनरिएक्टिव, और देयर ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, ठीक है, इनको सिंपली आप हीट अप कीजिए और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मेटल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सो यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, सल्फाइड है तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया, ये अलग हो गया। सिमिलरली अगर कॉपर की बात करोगे तो ये सिल्वर का एग्जांपल दे रहा है, कॉपर का एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन यहां पर बर्न किया आपने, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बना, फिर आपका कॉपर बन गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आप इसको सिंपली हीट अप करके अलग कर सकते हो। मॉडरेटली रिएक्टिव, सो फाउंड एज सल्फाइड्स एंड कार्बोनाइट्स। अब इसमें मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं। तो रोस्टिंग में देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्सिनेशन में आपने सीधा उसको हीट कर रहे हैं। दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ओर में जो है, ठीक है, यहां पर जो रोस्टिंग में जो है एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया जाता है, रोस्ट, आप ऐसे समझ लो कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्रोडक्ट को आप रोस्ट करते हो, ठीक है, तो वो हवा में, ठीक है, वो प्रेजेंस ऑफ एयर में रोस्ट होता है, ठीक है। जनरली मीट को रोस्ट करने की बात की जाती है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, यहां पर दिस इज फॉर सल्फाइड ओर्स, दिस इज फॉर कार्बोनेट, नाम से क्लियर है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद द मेटल ऑक्साइड, फिर जो है मेटल ऑक्साइड से जो है मेटल बनता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और ये बना, फिर जिंक ऑक्साइड में से जिंक अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट है तो जिंक ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये फिर ये जो इसको आप फर्दर जो है हीट अप करेंगे तो ये क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। दोनों केस में आपको मेटल मिल रहा है, बट पहले स्टेज में बाय प्रोडक्ट यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये एक आपका बेसिक डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं इन द प्रेजेंस, ठीक है, और इन द एब्सेंस, तो ये इस तरीके से जो है हीट अप किया जाता है क्लोज साइकिल्स में। अब नेक्स्ट आता है जो लाइक द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर मेटल, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑल्सो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में जनरली क्या होता है, मेटल्स का कह लीजिए आप करंट पास करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए। ये ही प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, जब जैसे हम कहते हैं ना गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम कहते हैं, गोल्ड नहीं है, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, तो ये जो गोल्ड की प्लेटिंग की गई है ये इसमें कंसेप्ट आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। सो व्हेन एटम्स और ज्वेलरी मेड ऑफ मेटल सच एज कॉपर और निकल आर प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन सॉल्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक थिन फिल्म ऑफ गोल्ड जो है उस पर डिपॉजिट हो जाती है।
एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की अगर हम बात करें, कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक साइड यूजिंग कार्बन, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, वो नहीं छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, नहीं जाने देंगे, ठीक है. सो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ऑब्टेंड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक क्योंकि सिंपली हीटिंग के प्रोसेस से पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको करंट पास करना पड़ रहा है. करंट पास करके क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर एक जगह आपका सोडियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, दूसरी तरफ जो है क्लोरीन, तो सोडियम जो है उससे आप अपना जो मेटल है वो निकाल लेंगे, ठीक है. और यहाँ पर आपको जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे लाइक कॉपर है, ठीक है, कॉपर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है. तो ये एक बहुत सिंपल कंसेप्ट कि यहाँ पर कैथोड पे आपका सोडियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. अभी इसका एग्जांपल देख लो, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एन ए पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, मतलब ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम 281 था, अब Na पॉजिटिव का मतलब वो सिर्फ 28 है, अब उसको जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो सोडियम बन जाएगा, ठीक है, जो सोडियम वाली स्टेट है वो बन जाएगी, तो यहाँ पर इसको वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यहाँ पर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, सोडियम जो है बनना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका मेटल रिफाइनिंग, ठीक है जी. सो इम्प्योर मेटल्स जो को रिड्यूस किया जाता है फ्रॉम द रिडक्शन प्रोसेस रिक्वायर प्योरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज वाइडली यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है. तो जो भी इम्प्योर मेटल्स हैं रिडक्शन प्रोसेस से हम निकालते हैं, उन पे आपको क्या करना है, प्योरिफिकेशन करना है. जैसे कि मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इम्प्योर मेटल, ये हमें जस्ट अभी हमने जो कहानी पढ़ी, ठीक है. यहाँ पर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया, करंट डिजोल्व कर लेता है इम्प्योरिटीज़ को फ्रॉम एनोड, और प्योर मेटल जो है कैथोड पे डिपॉजिट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा अगेन क्वेश्चन बनता है इस पे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने डिस्कस किया, ठीक है, किस तरीके से लाइक फिल्म, जैसे आपने समझा कि फिल्म मतलब वो वाली फिल्म नहीं, मूवी नहीं, कि अगर आपकी मान लीजिए ज्वेलरी है जो गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी है वो कैसे बनती है वो हमने डिस्कस किया. सिल्वर करोजन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक सेशन में, टर्न्स ब्लैक फ्रॉम द एयर सल्फर कॉजिंग सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, तो जो आपको ब्लैकिश कलर देखने को मिलता है वो सल्फर की वजह से देखने को मिलता है. कॉपर जो है ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट फ्रॉम द मॉइस्ट एयर कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक फ्रॉम द मॉइस्ट एयर कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो कार्बोनेट बनता है उसकी वजह से वो ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है, ठीक है. देन आपका ब्राउन फ्लेक्स देखने को मिलता है आयरन के केस में जब वो मॉइस्चर को एक्सपोज होता है. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है. अब कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, ठीक है, ये सारे तरीके हैं. अलॉयज बनाए जा सकते हैं, अलॉयज इज वेरी वेरी फेमस कंसेप्ट, जिससे कि हम इस जो रस्टिंग है, ठीक है, जो करोजन है उसको रोकते हैं. गैल्वेनाइजेशन इन्वॉल्व्स कोटिंग आयरन एंड स्टील विद द जिंक, ठीक है, जिंक के साथ उसको जो कह लीजिए कोटिंग करना प्रोटेक्शन के लिए. अलॉयज क्या करते हैं, मेटल प्रॉपर्टीज को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं. दो कई बार कहा जाता है कि जो प्योर मेटल की प्रॉपर्टीज है वो अलॉयज में नहीं रहती, बट स्टिल जो उसके बेनिफिट्स हैं जैसे कि करोजन नहीं होता वो आउटवे करते हैं उनके कुछ डिसएडवांटेजेस को. ठीक है, एक जैसे कंसेप्ट आता है सेक्रीफाइशल एनोड का भी, ठीक है, जो कि एक एसेंशियल कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए आपका वाटर हीटर है, वाटर हीटर में भी आपका एक सेक्रीफाइशल एनोड होता है. ठीक है, सेक्रीफाइशल एनोड सेक्रीफाइस कर रहा है, नाम से क्लियर है. ठीक है, सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, जो आपका मेटल है उसको करोड़ नहीं होने दे रहा, उसकी जगह खुद करोड़ हो जा रहा है. ठीक है, खुद उस पर जंग लग जा रही है. सो इट इज़ अ लॉन्ग मेटल रॉड मेड ऑफ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, जो रिएक्टिव हैं, एक्सटेंड्स थ्रू द टैंक्स इंटीरियर, जैसे आपका वाटर हीटर में होता है, क्योंकि बहुत गर्म पानी है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी खराब कर देगा कह लीजिए मेटल को. सो दे आर यूज टू प्रोटेक्ट मेटल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम करोडिंग एंड दे लाइक कैसे होता है, बाय ऑक्सीडाइजिंग मोर क्विकली देन द मेटल इट इज प्रोटेक्टिंग. ठीक है, तो ये जो मेटल है उससे पहले खुद करोड़ हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इतना गर्म पानी है, उस गर्म पानी में बहुत आइडियल एटमॉस्फेयर है,
कि कोई भी मेटल जो है ऑक्साइड ऑक्सीजन है और करोड़ हो जाए, जंग लग जाए, पर वो ऐसे नहीं होने देता, बींग कंज्यूम्ड बिफोर कम्प्लीटली द अदर मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया कैल्शियम जो आपका मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिमिलरली जो बड़े बड़े शिप्स हैं उनमें भी सेक्रीफाइशल एनोड रहता है। ठीक है, क्योंकि तो वो तो चल ही पानी में रहे हैं तो वहां तो बहुत जल्दी करोजन होगा। सो दे आर मेटल्स आर अलॉयज अटैच टू द हल दैट हैव अ मोर एनोडिक दैट इज एनोड्स हैं, लेस नोबल मतलब मोर रिएक्टिव, लेस नोबल मतलब मोर रिएक्टिव पोटेंशियल देन स्टील व्हेन इमर्ज्ड इन सी वाटर, और दीज एनोड सप्लाई द कैथोडिक प्रोटेक्शन करंट, और अल्टीमेटली क्या होता है जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी जो है ये कंज्यूम हो जाते हैं। ओके, सो रिक्वायर रिप्लेसमेंट फॉर द प्रोटेक्शन टू बी मेंटेन्ड। तो ये आई होप सेक्रीफाइशल एनोड सबको क्लियर हो गया है। अगेन दोबारा से जैसे हमने वाटर हीटर का एग्जांपल ले लो, वाटर हीटर में क्योंकि इतना ज्यादा गर्म पानी है तो कंडीशंस बहुत आइडियल हैं कि मेटल करोड हो जाए। इवन बहुत कम रिएक्टिव भी है, हमने देखा कि रिएक्टिविटी जिनकी कम भी है वो भी दे ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू गेट करोड। जैसे कॉपर है, कॉपर वायर्स भी करोड हो सकती हैं, बट उस केस में क्या होगा, आप एक हाईली रिएक्टिव मेटल को डालेंगे और उसमें क्या होगा कि वो जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉपर है उसको करोड़ नहीं होने देगा, मान लीजिए आपने एल्युमिनियम लगाया या मैग्नीशियम लगाया वो पहले करोड़ हो जाएगा, जल्दी उसको जंग लग जाएगी और उसको वो बचा लेगा। ठीक है, तो इसी से वो टर्म आता है सेक्रीफाइशल एनोड। मर्करी कंटेनिंग अलॉयज आर अमेलगम्स। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग अलॉयज हैं तो इनकी ट्रिक हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट जो अलॉयज का होता है वो लोअर होता है देन द प्योर मेटल्स, तो ये एक नुकसान आप इसको देख सकते हैं। और ब्रास की अगर हम बात करें, कॉपर और जिंक है, ब्रॉन्ज, इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैं जो याद रखता हूँ ब्रॉन्ज में जेड आता है, तो जेड जिंक इसमें नहीं है, तो उल्टा है। ठीक है, ब्रॉन्ज में जिंक नहीं है तो कॉपर और जो है आपको टिन देखने को मिलता है और यहाँ पर कॉपर और जिंक देखने को मिलता है। ठीक है, अनलाइक प्योर यूज्ड इन सर्किट्स। सोल्डर की बात करें तो यहाँ पर लेड और टिन हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट फॉर वेल्डिंग वायर्स। अलॉयज जो हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। ठीक है, इसीलिए इनको ये काइंड ऑफ होमोजेनस मिक्सचर्स हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को एनहेंस करता है, रेजिस्टेंस टू करोजन है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रास 30% जिंक है, 70% कॉपर है, यूज्ड इन यूटेंसिल्स एंड पाइप्स। बेल मेटल की बात करें तो 77% कॉपर है, 23% टिन है, यूज्ड फॉर कास्टिंग बेल्स। ठीक है, बेल्स के लिए यूज आपका होता है। नेक्स्ट आपका ब्रॉन्ज आता है। ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज जो है 90% कॉपर है, 10% टिन है, और ये जो है कॉइन्स को बनाने में काम आता है, ऑर्नामेंट यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रॉन्ज। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा एक आखिर में ताकि ये सारे याद हो जाए। स्टेनलेस स्टील, सो आयरन और निकल क्रोम यूज इन द मेकिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वॉचेज एंड यूटेंसिल्स। ठीक है, स्टेनलेस स्टील तो खैर आज के समय पर बहुत जगह यूज होता है, मतलब हमारे बर्तनों से घरों के दरवाजे जो हैं, बहुत सारी चीज़ों में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉचेज, यूटेंसिल्स, बहुत जगह ये यूज हो रहा है। ड्यूरल्यूमिन दैट इज एल्युमिनियम, कॉपर, मैंगनीज, मेकिंग इन द पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन एंड शिप। एलनीको, ठीक है जी, यूजफुल इन द मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स, तो आप देख सकते हैं एल्युमिनियम है, निकल है, कॉपर, कोबाल्ट, और जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन क्यूजीन, तो यहाँ पर इट इज़ यूजफुल इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स। ठीक है, और ये इसकी अपीरेंस सिल्वर जैसी होती है पर इसमें सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, ये आपका ट्रिक है, ये एक बार हम इसको देख लेते हैं। मिश मेटल क्या है? मिश मेटल अलॉयड विद आयरन, ये सिगरेट लाइटर्स में यूज होता है। ठीक है, ये सीरियम, लैंथेनम, न्योडेनियम, कुल मिला के आयरन का ओर है और अलॉयड विद आयरन इन द फ्लिंट, और ये सिगरेट के जो लाइटर्स हैं उनमें आपका ये यूज किया जाता है। डीऑक्सीडाइजर के रूप में काम आता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है इन द वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है लाइटर की कैपेबिलिटीज़ के लिए।
नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे ट्रिक्स टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट अलॉयज। इस पे आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन या सीधा क्वेश्चन भी बनता है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, पेपर में कन्फ्यूजन रहती है, तो हम इनको ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी ट्रिक्स खुद भी बना सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रास, ठीक है, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पर क्या है, कर्जन, ठीक है, कर्जन। तो कर्जन ये सी यू से हो गया आपका कॉपर, और यहाँ पर हो गया आपका जेड एन से हो गया आपका जिंक, ठीक है। तो ब्रास जो है वो हो गया आपका कर्जन, ठीक है, वो लॉर्ड कर्जन जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज कजन, ठीक है, कजन भी एक ट्रिक बनता है यहाँ पर, कजन का शॉर्ट फॉर्म। अदरवाइज ब्रो क्यों टिनटिन करता रहता है, हम कहते हैं ना, मतलब क्यों बकबक करता रहता है, टिनटिन करता रहता है, तो क्यों से कॉपर हो गया, टिनटिन से कॉपर और टिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमेलगम, ठीक है जी। देन आता है आपका मरकरी प्लस एनी मेटल, मरने पर गम होता है, ठीक है, मरने पर गम होता है, तो मरने से मरकरी, गम से अमालगम, ठीक है। मैग्नीलियम, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये इनिशियल्स हैं, ये बहुत इजी है। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, फरारी कार निकली, ठीक है, फरारी कार निकली स्टेनलेस स्टील से बनी हुई थी, ऐसे याद रख सकते हैं। तो फरारी से एफ ई आयरन हो गया, कार से सी आर क्रोमियम हो गया, और निकली से निकल हो गया, और कार्बन भी इसमें होता है, तो ये हो गया आपका स्टेनलेस स्टील। नाइक्रोम, तो नाइक्रोम भी जो है इनिशियल्स देखोगे आप, नाइक्रोम में एन आई से निकल हो गया, आई से, आई से क्या हो गया आपका आयरन, ठीक है, आई से आयरन, एफ ई सी आर ओ क्रोमियम, ठीक है, सी आर ओ क्रोमियम, और एम से हो गया आपका मैंगनीज, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नाइक्रोम। नेक्स्ट आता है जर्मन सिल्वर, ये आपका बहुत बार पूछा गया है जर्मन सिल्वर, ठीक है, इसमें सिल्वर नहीं है, ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है। क्यों बोलते हैं फिर सिल्वर, क्योंकि एक जो अपीयरेंस है वो आपकी सिल्वर की तरह आती है, ठीक है, तो इसलिए उसको जो है ये देखो, ठीक है, जर्मन सिल्वर, सिल्वर कलर की जो है आपको अपीयरेंस देखने को मिलती है। सो इसमें कॉपर है, जिंक है और निकल है, ठीक है, इसका जर्मन क्यूजीन, क्विजीन हम कहते हैं ना खाने को, बेसिकली किसी जगह के खाने को क्विजीन कहा जाता है। तो ये कॉपर हो गया, जिंक हो गया और निकल हो गया, ठीक है, कॉपर जिंक और निकल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका सोल्डर, ठीक है, सोल्डर में क्या है आपका, लेड है और टिन है, तो सोल्डर से सोल्जर, ठीक है, सोल्जर लेट होने पर इन नहीं होने देते, डिसिप्लिन्ड होते हैं सोल्जर से, हम हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज क्या आती है, डिसिप्लिन्ड, ठीक है, डिसिप्लिन सोल्जर या डिसिप्लिन। तो यहां पर अगर आप लेट हो जाएंगे सोल्जर की प्रेजेंस में, वो आपको इन नहीं होने देंगे, मतलब एक मीटिंग चल रही है, उसकी अगुवाई या उसका हेड कौन है, सोल्जर है एक, और अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपको इन नहीं होने देंगे, तो सोल्जर लेट होने पर इन नहीं होने देते, तो लेट से हो गया लेड और इन से हो गया टिन, ठीक है, इन टिन, ठीक है, तो ये इससे याद रहेगा, सोल्जर इन नहीं होने देते। गन मेटल, ठीक है, गन मेटल क्या है, जैकेट, ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, गन मतलब ऐसे मान लो जैकेट में आपने गन रखी हुई है, ठीक है, जैकेट में गन रखी हुई है, तो जेड से क्या हो गया, जिंक, ठीक है, जिंक या जिंक, ठीक है, तो जिंक हो गया, और उसके बाद आपका सी से हो गया कॉपर, और टी से हो गया टिन, ठीक है, जैकेट, तो ये हो गया आपका, जैकेट में आपने गन रखी हुई है, जिंक, कॉपर और टिन, तो ये हो गए आपके कुछ अलॉयज। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर सीडीएस और सीएपीएफ के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीधा सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, आगे मतलब सेशन की इन द सेंस क्वेश्चंस की। जर्मन सिल्वर इज यूज्ड टू मेक डेकोरेटिव आर्टिकल्स, द कॉइनेज, मेटल एंड ऑर्नामेंट, द नेम इज गिवन बिकॉज, क्योंकि ये अलॉय है कॉपर है का और इसमें सिल्वर होता है वन ऑफ इट्स मेन कंपोनेंट, तो पहले ही गलत हो गया, सिल्वर नहीं है, अभी हमने देखा। जर्मन्स वर द फर्स्ट टू यूज सिल्वर, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जर्मन्स ने सिल्वर पहली बार यूज किया तो जर्मन सिल्वर हो गया, जी ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अपीयरेंस इज लाइक सिल्वर, यस, इट इज एन अलॉय ऑफ सिल्वर, अगेन ये गलत है, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, सी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट अगर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ जी ये सिल्वर का अलॉय नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरीज, मोबाइल फोन बैटरीज में क्या है, कॉपर है, जिंक है, निकल है, लिथियम है, लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज आजकल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया जो है इस चीज को लेकर
देख रही है कि लिथियम कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो अपने आप में इसको आजकल एक वाइट गोल्ड के रूप में भी देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है, अ मेटल स्क्रू टॉप ऑन अ ग्लास बॉटल विच अपियर्स टू बी स्ट्रक कुड बी ओपन्ड बाय यूजिंग द फैक्ट दैट, ठीक है, एक मेटल स्क्रू है, एक ग्लास बॉटल है, उसके ऊपर मेटल स्क्रू है, ठीक है, मेटल स्क्रू को उतारा कैसे जा सकता है, ठीक है। सो द मेटल बाय यूजिंग द फैक्ट दैट मेटल एक्सपेंड्स मोर देन द ग्लास व्हेन बोथ आर हीटेड, द मेटल एंड ग्लास एक्सपेंड आइडेंटिकल व्हेन हीटेड, मेटल श्रिंक्स व्हेन हीटेड, बोथ मेटल एंड ग्लास श्रिंक व्हेन कूल्ड। सबसे पहले तो कहानी, आज हम मेटल नॉन मेटल्स हमने पढ़ा, तो हमने ये समझा कि मेटल्स जो हैं बहुत ज़्यादा लाइक हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो ग्लास के परस्पर में ये ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा एक्सपैंड होगा, ठीक है, ज़्यादा एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, ठीक है, जनरली यही यूज़ भी किया जाता है, ठीक है, ये भी यूज़ किया जाता है आपका कि दोनों को हीटअप किया जाएगा, मेटल जो है एक्सपैंड हो जाएगा, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज ए, बहुत क्लियरली, बहुत बेसिक कंसेप्चुअल आंसर इज ए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। अभी सबसे पहले तो आपको दिमाग में होना चाहिए, मेटल्स में हमने मरकरी के बारे में पढ़ा है, तो मरकरी तो होगा ही होगा, तो 2, 2, 2 ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या आता है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस, हीलियम गैस, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन भी आपको, ये भी हमने पढ़ा था, सो मर्करी एंड ब्रोमीन, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 and 4, ठीक है, 2 and 4 ये आपको किस में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, सो 2 and 4, ठीक है जी, हीलियम इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर, हाउएवर हीलियम इज एक्चुअली अ गैस अंडर दिस कंडीशन, ठीक है, मतलब ये आपको जल्दी गैस में मिलता है, सिमिलरली आपको जो मैंने आपको बताया क्लोरीन भी आपको गैस के फॉर्म में मिलता है। Which of the following metals is used in the fireworks to make a brilliant white light? अब आपको याद होगा कि हमने मैग्नीशियम को जब बर्न किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक वाइट लाइट दिखी थी, ये हमने जो केमिकल रिएक्शंस वाला टॉपिक था उसमें भी डिस्कस किया था, ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिल्वर, तो आंसर क्या हो गया, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक बहुत ब्राइट वाइट लाइट आपको देखने को मिलती है और वही आपका जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं उसमें यूज होते हैं, ठीक है जी, सो ब्राइट वाइट, सो इट इज यूज टू एड स्पार्क, इम्प्रूव द ओवरऑल ब्रिलियंस ऑफ द टू द फायरवर्क्स। सेक्रीफाइशल एनोड, ठीक है जी, इसके बारे में हमने पढ़ा, प्रोटेक्ट आयरन और शिप अंडरग्राउंड पाइपलाइंस एक्सेट्रा फ्रॉम रस्टिंग, अ प्रोसेस नोन एज कैथोडिक प्रोटेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी यूज एज अ सेक्रीफाइशल एनोड, कौन से मेटल जो हैं सेक्रीफाइशल एनोड के रूप में नहीं जो है यूज किए जा सकते, टिन, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सिंपल क्वेश्चन, अब देखो ये आपको क्या समझना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है जो पहले करोड़ हो जाएगा। हमने वाटर हीटर में भी ये देखा, मैंने आपको बताया कॉपर का मान लो बना हुआ है तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, वो कह रहा है कि भाई साहब मैं तेरे लिए सेक्रीफाइस त्याग कर दूंगा, ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि कौन सा नहीं यूज हो सकता। अब वो ट्रिक को आपको दिमाग में रखना है जो हमने डिस्कस की है, डोंट कॉल मी जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, ठीक है, अगर आपको वो ट्रिक याद है, अदरवाइज ऑल्सो लॉजिकली अगर आप देखोगे मैग्नीशियम एल्युमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं सेक्रीफाइशल नोट की तरह, जिंक भी जो है ज्यादा रिएक्टिव है देन द आयरन, टिन जो है रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, ए कैन नॉट बी, टिन कैन नॉट बी द सेक्रीफाइशल नोट, सो बाय करोजन, ठीक है, यूजिंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, तो रिएक्टिविटी उसकी कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट करोड बाय द सी वाटर, कौन सा जो है मेटल आप यूज कर सकते हैं जो कि करोड नहीं होगा, टंगस्टन, निकल, एंटीमनी, टाइटेनियम। अब देखो इसमें अगेन द आइडिया इज सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, बेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है, दैट इज द टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम जो कि रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ और वो जो है बोट करोड नहीं होगी सी वाटर से। व्हेन एटम्स, अब वो अगेन वो जो ट्रिक है वो आपको दिमाग में होनी चाहिए, अगर ट्रिक ऑब्वियसली अगर आप लिख लेंगे तो बेटर है, याद कर लेंगे, अदरवाइज ऑल्सो आपको दिमाग में है कि हाँ जी सिल्वर, स्मार्ट गाय,
ठीक है, गोल्ड, टाइटेनियम, ये आखिर में आते हैं। ठीक है, हमने देखा कि शुरू वाले रिएक्ट करते हैं किससे, ठीक है, पानी से, एसिड से। ठीक है, When items or jewelry made of metal such as copper or nickel are placed in a solution having a salt of gold, a thin film of gold is deposited by। ठीक है, हमने गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की बात करी थी। ठीक है, तो कैसे होता है, मतलब अब क्योंकि रिएक्टिविटी कम है, ठीक है, रिएक्टिविटी कम है तो उसको ठंडे करने से बिल्कुल नहीं होगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा पानी में तो। ठीक है, हीटिंग अब 100 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हमने देख लिया था। पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेथड हमने डिस्कस किया, उस मेथड से जो है आप उस गोल्ड फिल्म, ठीक है, मतलब सिल्वर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है तैयार कर सकते हो। नहीं, 10 मिनट रखने से तो कुछ भी नहीं होगा, गोल्ड तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, किसी तरीके से कोई रिएक्टिविटी है ही नहीं है। ठीक है, तो आप अलग से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज इट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, सोल्डर, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील। ओके, सोल्डर, सोल्जर जो है अंदर नहीं आने देता। ठीक है, तो क्या हो गया, ठीक है, डोंट लेट द पर्सन इन। ठीक है, डोंट लेट द पर्सन इन, जो लेट आता है बंदा उसको इन नहीं आने देता, तो लेड और जिंक। ठीक है, फोर, ठीक है, ब्रास में आपका जिंक, कॉपर और जिंक। ठीक है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन, कजन, कजन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, तो ये हो गया आपका 3, और आयरन एंड कार्बन 4, 2, 3, 1, तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया, ट्रिक्स को भी देखा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट। हमने एक मेटल पढ़ा जो कि चाकू से, नाइफ से भी कट जाता है। ठीक है, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। आयरन को चाकू से काट सकते हो? नहीं, कॉपर नहीं, कॉपर की वायर्स। ठीक है, तो आंसर क्या है, सोडियम सॉफ्टेस्ट है। ठीक है, चाकू से कट सकता है, सॉफ्ट मेटल्स। मिश मेटल इज वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल ऑफ द कार ब्रेक, स्मोक डिटेक्टर्स, सिगरेट लाइटर्स, इमरजेंसी लाइट्स। ये भी हमने पढ़ा, मिश मेटल जो है किसके लिए यूज होता है, सिगरेट लाइटर्स के लिए यूज होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, अलॉयड विद आयरन, यूज इन द सिगरेट लाइटर्स, सीरियम, लैंथेनम, नियोडियम। ठीक है, ये सारे के सारे रेयर मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं अलॉयड विद आयरन, और सिगरेट लाइटर्स में ये यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को याद करो, ठीक है, आई लाइक हर, हर से हमने एच से देखा था हाइड्रोजन, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, तो लेस रिएक्टिव। उसके नीचे क्या है, कॉपर, लेड, मैग्नीशियम, मेरी मैग्नीशियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, हो ही नहीं सकता। आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉपर। ठीक है जी, सो कॉपर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, तो कॉलिंग सी से हमने कॉपर हो गया। कॉपर इज प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव। तो वो रिएक्टिविटी वाला अगर आपको याद है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीधा सीधा उससे सॉल्व होते हैं। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, देखो दोबारा से आ गया जर्मन सिल्वर का क्वेश्चन, गोल्ड एंड सिल्वर, 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 गलत हो गए तीन ऑप्शन। दिमाग में ये बिल्कुल फैक्ट बिठा लो कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, अपियरेंस उसकी सिल्वर है, इसलिए उसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं। कॉपर, जिंक और निकल, मैंने आपको बताया था जर्मन क्यूजीन, जर्मन क्यूजीन, क्यूजीन से हमने देखा कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है, जर्मन क्यूजीन मतलब खाना, बेसिकली जर्मन खाना। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि जर्मन सिल्वर बर्तन बनाने के काम भी आता है, और जर्मन सिल्वर ही क्यूजीन, जर्मन क्यूजीन को सर्व करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन। ठीक है, कौन सा मेटल जो है प्रेजेंट होता है एनोड मड में। ठीक है, एनोड मड में ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखो एनोड मड क्या हो गया, जो कह लीजिए मतलब वेस्ट मटीरियल है, जो नहीं चाहिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आयरन मिलता है। ठीक है, आयरन आपको उसमें नहीं चाहिए। ठीक है, आयरन नहीं चाहिए, कॉपर जिसकी रिएक्टिविटी कम है, काफ़ी कम है आयरन से, तो वो जो है आपका कहाँ पर मिलता है, कैथोड पे। ठीक है,
So during the electrolytic refining, impurities including precious metals like gold and platinum, group metals settle at the bottom. Iron is the common metal found in the anode mud during the electrolytic refining. An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. The compound is soluble in water. The element is likely to be calcium, carbon, iron, silicon. अब बहुत ज़्यादा reactive है वो element, ठीक है, किस पे? जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, CaO, फिर वो पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किन की है इनमें से? कैल्शियम की, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम, अगेन रिएक्टिविटी, अगेन दैट चार्ट, अगर आपके दिमाग में याद है, हाँ, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम, ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर फर्दर जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है, ठीक है, कैल्शियम बाय. नेक्स्ट आपका द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द इन द अर्थ क्रस्ट इज, ठीक है, कौन सा जो है अर्थ क्रस्ट पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट? देखो यहाँ पर क्या पूछा हुआ, मेटल पूछा हुआ है. अगर मेटल पूछा हुआ है तो दो ऑप्शन तो सीधे ही क्रॉस हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सिलिकन. ऑप्शन ही दो बची, एल्युमिनियम एंड आयरन. और ज्योग्राफी में मैंने कई बार ये ट्रिक डिस्कस किया है, OSD एट इंदौर, ठीक है जी, एट इंदौर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना 19, ठीक है, तो एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भेजा जाता है इंदौर में ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, तो ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम है, फिर उसके बाद आयरन आता है, तो सेकंड पूछा हुआ है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, तो सबसे ज़्यादा क्या है? एल्युमिनियम है, फिर आपका आयरन है, तो सेकंड पूछा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयरन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम 8%, यहाँ पर देख सकते हैं OSD एट इंदौर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना 19. ग्रीनिश कोटिंग डेवलप्स ऑन कॉपर यूटेंसिल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्यों होता है ग्रीनिश कलर? ये भी हमने डिस्कस किया, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रो मतलब हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, कॉपर ऑक्साइड क्या है इसमें, ठीक है, तो ग्रीनिश कलर किस लिए बनता है, ये हमने डिस्कस किया पिछले सेशंस में भी, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, इट इज़ कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, सो ग्रीनिश कोटिंग आपको देखने को मिलती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट अपीयर्स जब दे आर एक्सपोज टू ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनता है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर एक कंपाउंड देखने को मिलता है, ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है. रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन ऑर्डनरी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, बोथ ऑर्डनरी एंड डिस्टिल्ड वाटर, नन ऑफ द अबव. अब ये देखो कि ऑर्डनरी और डिस्टिल्ड वाटर में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये हमने एक सेशन में डिस्कस किया था कि ऑर्डनरी वाटर में आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो मिनरल्स मिल रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर में वो नहीं है, इसकी पीएच आपको कम मिलती है, इसकी पीएच ज़्यादा मिलती है, ठीक है, इट इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर, इट इज़ मतलब कंपैरेटिवली, ठीक है, बट आप ये बताओ कि आयरन जो है पानी की प्रेजेंस में करोड़ होगा, ठीक है, इसका उससे मिनरल से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जो है वो आयरन ऑक्साइड्स बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड्स बनाएगा, तो दोनों ही जो है यहाँ पर करोड़ करेंगे. हाँ, अगर क्वेश्चन है कि इन दोनों में ज़्यादा कौन कह लीजिए रस्ट करेगा, सो आंसर होगा आपका ऑर्डनरी वाटर, ठीक है जी. सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर विच इज़ असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस में दोनों ही में ही डिजॉल्व ऑक्सीजन है और दोनों ही फैसिलिटेट करते हैं इस रस्टिंग के प्रोसेस को, ठीक है जी, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही रस्ट करेंगे. कुछ CDS के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल रिस्पेक्टिवली. हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ठीक है, हम कहते हैं आयरन की कमी हो गई है जी, आयरन की कमी हो गई है, ठीक है, क्लोरोफिल में, ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है, तो यहाँ पर आयरन एंड मैग्नीशियम. सो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड कंटेन्स आयरन. क्लोरोफिल में जो पिगमेंट है, द पिगमेंट असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस कंटेन्स मैग्नीशियम, ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो पिगमेंट, उसमें आपका मैग्नीशियम होता है. नेक्स्ट आता है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज यूज इन फोटोग्राफी. पुराने ज़माने में जो फोटोग्राफी होती थी, ठीक है, अंधेरा कमरा, ठीक है, वहाँ पर जो
कह लीजिए जो फिल्म होती थी, ठीक है, जो रोल होता था उसको वॉश किया जाता था, पानी वानी रखा जाता था। आज के समय पर उस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिजिटल फोटोग्राफी हो गई है। बट उस समय पर उसको अंधेरे रूम में रखा जाता था, सनलाइट से दूर, ठीक है, सनलाइट से दूर डेवलप किया जाता था। क्यों? ठीक है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड, चलो देख लेते हैं, रिमूव रिड्यूस सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन टू सिल्वर, रिमूव अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड एज अ सॉल्युबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स, कन्वर्ट द मेटालिक सिल्वर टू सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि रिमूव करना अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड को एज अ सॉल्युबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स, आंसर है आपका सी, ठीक है, ताकि जो है वो वॉश अवे किया जा सके। रिमूव्स द अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड बाय टर्निंग इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है, एक सॉल्युबल फॉर्म के रूप में बनाता है, अलाउइंग इट टू बी वॉश्ड अवे, ताकि वो साफ किया जा सके। दिस फिक्सिंग प्रोसेस स्टेबलाइजेस द इमेज बाय प्रिवेंटिंग फर्दर एक्सपोजर बाय अफेक्टिंग द अंडर डेवलप्ड एरियाज, ठीक है। तो इससे होता क्या था, इससे जो है फर्दर जो कह लीजिए उसका नुकसान जो है, ठीक है, इमेज बाय प्रिवेंटिंग फर्दर एक्सपोजर, वो वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता था। फूड कैंस को कोट किया जाता है टिन से, बट जिंक से नहीं किया जाता, क्यों? ओके, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, टिन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। अब आप ये बताओ कि ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए या कम रिएक्टिव होना चाहिए? अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर खाना खराब हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड्स बन जाएगा। आप तो ये चाहते हैं ना कि कम से कम रिएक्टिव हो, तो क्या करोगे आप? टिन लगाओगे, क्योंकि जिंक क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है दिन द टिन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, आपको तो खाने को बचाना है, फूड कैंस को आर कोटेड विद टिन, जिंक से नहीं है क्योंकि खाने को बचाना है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन टिन, सो फूड कैंस आर कोटेड विद टिन रादर देन जिंक। अ मेटालिक प्लेट स्टिक्स फर्मली ऑन द माउथ ऑफ द वाटर वेसल मेड फ्रॉम अनदर मेटल, एक मेटालिक प्लेट है जो कि फर्मली स्टिक करती है ऑन द माउथ ऑफ द वाटर वेसल मेड फ्रॉम अनदर मेटल, बाय वे ऑफ हीटिंग वन कैन डिटैच द प्लेट फ्रॉम द वेसल, दिस इज बिकॉज हीट एक्सपैंड्स, ठीक है। क्यों ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हीट जो है सिर्फ वेसल को एक्सपैंड करेगी, दोनों वेसल और प्लेट को इक्वली एक्सपैंड करेगी, वेसल को ज्यादा करेगी देन द प्लेट, द वेसल एंड सो द हीट एक्सपैंड्स द वेसल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द प्लेट, प्लेट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगी, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होने पे होगा, तो दोनों बराबर जो है कह लीजिए एक्सपैंड नहीं होगा। वही सेम कहानी, ग्लास हमने अभी आज की सेशन में पढ़ा, ग्लास है उसके ऊपर मेटालिक कह लीजिए कवर है, तो उसको हटाना है तो कैसे हटाओगे? ठीक है, एक्सपैंड करोगे, हीट करोगे, मेटल जो है ज़्यादा एक्सपैंड होगा, वो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द वेसल मोर देन द प्लेट, बिकॉज द हीट एक्सपैंड वेसल मोर देन द प्लेट, उस तरीके से जो है उसको डिटैच किया जा सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, सेम क्वेश्चन, ठीक है जी, इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। एज्यूराइट इज एन ओर ऑफ, कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। एज्यूराइट किसका ओर है? मैक, हमने पढ़ा था ना मैक बुक, ठीक है, मैक बुक, तो ये इसमें आपका ए था एज्यूराइट, कॉपर, ठीक है, कॉपर, ठीक है, कॉपर का जो है ये ओर है, सो इट्स अ कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड मिनरल, विद दिस इट इज यूज्ड इन द ज्वेलरी फॉर डाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कॉपर एज कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, इसमें कॉपर नहीं होता है, ठीक है, इसमें कॉपर नहीं है, फॉस्फर ब्रॉन्ज, सोल्डर वायर, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ठीक है, गन मेटल। अच्छा, अब अगर आप इसको याद करोगे, जर्मन सिल्वर में हमने क्यूजीन पढ़ा था, क्यूजीन, तो कॉपर है ना, जिंक, और फिर उसके बाद आपका आ गया था क्यूजीन निकल, ठीक है, क्यूजीन, और उसके बाद आपका है गन मेटल, गन किसमें थी, ठीक है, जैकेट में, जैकेट में, तो सी था कॉपर, ठीक है जी, ब्रॉन्ज में कॉपर है, सोल्डर वायर, ठीक है, अगर आप लेट हो गए तो वो इन नहीं होने देंगे, लेट और टिन, लेट हो गए तो लेट से लेट था, इन नहीं होने देंगे टिन, तो ये हो गया आपका सोल्डर वायर, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो ट्रिक्स वाला टॉपिक है, वो जो स्लाइड मैंने डिस्कस की, वो आपको ये वाले क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है, वो ट्रिक्स आपको यहां पर हेल्प करेगा, ठीक है जी।
सो जर्मन सिल्वर, वाइट निकल एंड जिंक, गन मेटल, ठीक है जी, तो ये भी हमने डिस्कस किया, कॉपर, टिन एंड जिंक। अ मेटल एलिमेंट एंड अ नॉन मेटल एलिमेंट विच आर ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द सी वाटर आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एक मेटल एलिमेंट है, एक नॉन मेटल एलिमेंट है जो कि लार्ज क्वांटिटीज में सी वाटर से मिलता है, सोडियम एंड आयोडीन, सोडियम एंड ब्रोमीन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका है मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन, प्लीज डोंट कंसीडर एज सोडियम ओनली, क्योंकि मैग्नीशियम भी बहुत लार्ज क्वांटिटीज में यहाँ पर आपको मिलता है, और यहाँ पर बात चल रही है मेटल एंड नॉन मेटल की, ठीक है। सो इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट डिसॉल्व्ड इन सी वाटर आर ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द सी वाटर, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशंस। कौन सा मेटल है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। सो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, ठीक है, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कह लीजिए जब इवन आपका प्लास्टर लगता है तो, ठीक है, टू मतलब एक सॉलिडिफाई करने के लिए, ठीक है, शेप में रखने के लिए, बोन को एक पर्टिकुलर शेप में रखने के लिए, तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, तो ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। सो दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट है, आई एम रियली सॉरी, कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ एच टू ओ, यस, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिप्सम सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, कॉस्मेटिक्स, ऑर्नामेंट्स के ये यूज आता है, कैल्शियम सल्फेट, आई एम रियली सॉरी, प्लीज ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। ओके, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, ये किस, इनके ओर्स के बारे में पूछा हुआ है, देखो एल्युमिनियम का ओर इनमें से, मैग्नेटाइट आयरन का है, कैलामाइन जिंक का है, ठीक है, सो एल्युमिनियम का सीधा सीधा बॉक्साइट, आयरन का मैग्नेटाइट, ठीक है, कॉपर मैलेशाइट, ठीक है जी, मैक, मैक हमने पढ़ा था, कैलामाइन हो गया आपका जिंक, ठीक है, कैलामाइन जिंक, तो अदरवाइज अगर आपको एक सीधा एल्युमिनियम का पता है बॉक्साइट तो भी आपका सीधा सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर ए, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ भी कौन सा रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इनमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है जी, सिल्वर तो बिल्कुल नहीं, बहुत नीचे आता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, अगेन दैट चार्ट रिएक्टिविटी वाला, ठीक है, बेसिक अगर आपने पढ़ा है आज के सेशन को, समझा है कंसेप्चुअली, क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं ये कहेंगे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इट्स प्रॉपरली अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है जी। सो पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर ऑल्सो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पर आज का सेशन समाप्त होता है, एंड इफ यू आर लाइकिंग द सेशन प्लीज डू शेयर, ताकि लाइक वी गेट द इनकरेजमेंट, एंड इसके बाद जो है हमारा केमिस्ट्री का एक टॉपिक और बचा हुआ है, देन विल डन विद द केमिस्ट्री, और फिर हम जो है फिजिक्स और बायो के सेशंस भी लेकर आएंगे, इसके अलावा हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस भी, और करंट अफेयर्स सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स के सेशन, जिसमें हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, इसके बाद जो है अप्रैल, मई और जून के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपके समक्ष लाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।